आरपीएफ के पुलिसकर्मियों ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए गहनों से भरे बैग को यात्री को लौटाया। पूरे देश से तमाम ऐसी रोजाना खबरें आती हैं, जिसमें चोरी डकैती लूट जैसी घटनाओं की खबर हमें हर रोज पढ़ने देखने और सुनने को मिलती है। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो समाज में मिसाल बनकर सामने आती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में स्थित आनंद विहार रेलवे स्टेशन में, जहां आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर तैनात सतर्क और ईमानदार पुलिस कर्मियों की बदौलत एक व्यक्ति के 20 लाख से अधिक कीमत के गहने को लौटाकर आरपीएफ पुलिस कर्मियों ने समाज में एक शानदार मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि बीते रविवार 3 तारीख को जब गाड़ी संख्या 22433 सुहेल देव एक्सप्रेस गाजीपुर सिटी से चलकर दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तो आरपीएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार को कोच संख्या HA1 के बी कैबिन में एक लावारिस बैग मिला, जिसकी जांच करने के बाद बैग से कई कीमती आभूषण मिले, जिसमें एक गले का नेकलेस आर्टिफिशियल, एक गले का सोने का नेकलेस, 4 सोने के कंगन, 1 सोने की नोज पिन, 2 सोने की रिंग, 1 सोने का मांगटीका, 4 जोड़ी सोने की इयररिंग्स जैसे कई अन्य कीमती सामान बैग के अंदर से मिले। सभी कीमती सामान जो बैग के अंदर मिले थे उनकी वीडियोग्राफी कर उन्हें सुरक्षित तरीके से उसी बैग में सील कर रख दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SI पंकज, ASI रोहित सिंह, लेडी कांस्टेबल सरिता, लेडी कांस्टेबल राधा तोमर को शामिल किया गया। आरपीएफ के सभी पुलिस कर्मियों ने ईमानदारी दिखाते हुए लावारिस बैग के स्वामी के बारे में कोच अटेंडेंट से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। हालांकि बैग के मालिक का पता नहीं चला, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल गाजीपुर सिटी द्वारा यात्री का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद यात्री के भाई से संपर्क किया गया। बाद में पुलिस कर्मियों द्वारा सभी सामान को चेक कराकर उसके स्वामी को सौंप दिया गया। दिल्ली से शाहनवाज खान की रिपोर्ट।